स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी स्पेशली लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल से रिलेटेड करता है। यहाँ पे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से ही मिलेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है फिर से ट्रकों के डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के ट्रक रखने से आपको कितना फायदा हो सकता है, कितना आपका खर्चा आता है, क्या किस तरह का खर्चा आता है, कहाँ कहाँ से आपको मटेरियल मिल सकता है, किस तरह का मटेरियल मिल सकता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 14 टायर ट्रेलर का जानकारी, जहाँ पे कि मैं आपको अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने अभी तक के सारे वीडियो में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये ट्रेलर की जानकारी है क्या क्या, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर कभी भी कोई ट्रेलर का वीडियो नहीं डाला है। ट्रेलर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आज तक तकरीबन एक साल हमारे चैनल का हो गया नहीं डाला है, आज पहला वीडियो जो मैं आप यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि ये ट्रक का जो रेट है कितना हो सकता है, तो मार्केट में अगर मैं इसकी बात करूँ जो इसका केबिन और चेचिस का जो प्राइस होता है वो तकरीबन 27-28 लाख रुपये का होता है। ये अलग अलग स्टेट में इसके जो रेट है ये बढ़ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके केबिन का, तो इसमें स्लीपर केबिन अवेलेबल है, और अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें 400 लीटर का फ्यूल टैंक है। पेलोड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका जो पेलोड होता है तकरीबन 40,280 केजी का होता है। इसी के साथ अगर मैं इस ट्रक का माइलेज की मैं बात करूं कि कितने का ये माइलेज देता है, तो तकरीबन 3 से लेकर 2.90 का ये माइलेज देता है ये ट्रेलर। और अगर मैं इसका पर किलोमीटर की कॉस्ट की मैं बात करूँ, जो कि हर किसी ट्रांसपोर्टर को जानना जरूरी होता है कि उसके गाड़ी का पर किलोमीटर कॉस्ट कितना होता है, तो उसी तरह से जो भी ट्रेलर चलाता है, जो भी ट्रेलर तरह की जो गाड़ियां होती है वो चलाता है, उसके लिए भी जानना जरूरी होता है। तो इसका अगर मैं पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करूँ ट्रेलर का, तो 42 रुपये के अराउंड में आता है। किसी किसी ट्रेलर का यह ज़्यादा भी होता है, बट आप 42 रुपये आप रख सकते हैं। इसमें आपका जो है ऑल ओवर सारे कॉस्टिंग होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आपका जो है इसमें भाड़ा कितना मिलता है, आपका खर्च कितना होता है, और किस तरह का मटेरियल आप इसमें सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रेलर में, तो ट्रेलर में ज़्यादा करके आपका कंटेनर का मूवमेंट होता है। दूसरा मैं अगर बात करूं तो इसमें मशीनरी शिपमेंट या फिर ओडीसी टाइप का जो शिपमेंट होता है उसका सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ ट्रेलर का जो मूवमेंट होता है, या फिर ट्राला बॉडी भी इसको बोलते हैं, ट्राला टाइप का बनाया जाता है, हाफ बॉडी का ट्रक बनाया जाता है, तो इसका अगर मैं बात करूँ कि मार्केट में और कहाँ कहाँ पे आप इसको चला सकते हो, तो आप इसमें बालू ढो सकते हो, कोयला ढो सकते हो, इसमें आप जो स्टील प्लांट से गोल गोल टाइप का जो आपको देखते हो बना हुआ निकलता है एल्यूमिनियम वगैरह प्लांट से, उस तरह का जो स्टील का जो प्रोडक्ट होता है वो आप इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये सारा का सारा जो है आपका FTL मूवमेंट होता है। किसी भी तरह का इसमें कोई पार्ट लोड का मूवमेंट नहीं होता है। बड़े बड़े जितने भी मशीनरी आइटम्स होते हैं आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप जितने भी पोर्ट एरिया हैं इंडिया में, तकरीबन हर पोर्ट एरिया से आपको इस तरह के ट्रेलर के लिए बिजनेस मिल जाता है। आप वहां से इस तरह के ट्रेलर का बिजनेस कर सकते हो। अब बात करता हूं दोस्तों कि आपकी कमाई और आपका खर्च कितना आता है, तो उस पर एक बार देखते हैं कि कमाई और खर्च क्या आता है। हम बात करते हैं दोस्तों तुमकुर से चेन्नई, चेन्नई से तुमकुर, ये तकरीबन 850 किलोमीटर है, और इसका अप एंड डाउन का जो भाड़ा अगर मैं बात करूँ मार्केट से जो मिलता है वो तकरीबन 55,000 रुपये मिलता है। अप एंड डाउन की मैं बात करूँ 55,000 से लेकर 60,000 तक का मिलता है। मतलब कि 850 किलोमीटर गाड़ी अगर आपकी चलती है तो आपका 55,000 से 60,000 रुपये भाड़ा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें एक्सपेंस कितना आता है, खर्चा कितना आता है, मतलब इसमें डीजल का खर्चा कितना होता है, इसके अंदर मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता है, ड्राइवर का सैलरी, टोल, टायर का खर्चा, इस तरह के और भी जो खर्चे हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो तकरीबन 33,600 रुपये का ये खर्च आता है। इसको आप एक तरह से और देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो कॉस्टिंग है वो 42 रुपये पर किलोमीटर है, तो आप जो 42 रुपये पर किलोमीटर है तो इसको आप 850 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका कॉस्ट होगा। इस तरह से दोस्तों आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो हम मानते हैं कि अप एंड डाउन हुई गाड़ी तो आपको मिला 55,000 रुपया, 54,000-55,000 रुपये,
और आपका जो खर्च है वो है 33,600 रुपये, तो मतलब कि आपका एक ट्रिप पे जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 20,400 रुपये है। अब मैं अप एंड डाउन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक गाड़ी को अप एंड डाउन 800 किलोमीटर 850 किलोमीटर चलती है, तो 2 दिन का टाइम लगता है। मतलब कि अगर मैं महीने में मान के चलूँ तो 15 ट्रिप इस तरह की गाड़ी कर सकती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके बिजनेस के ऊपर करता है कि आपके पास किस तरह का मटेरियल होता है, कितना मटेरियल होता है, आपको टाइमली बिजनेस मिल पाता है कि नहीं। अगर मैं सिंपली मैं आपसे बात करूँ तो हर तरह के खर्चे काट करके इस तरह की गाड़ी में महीने में आप तकरीबन 60,000 से 70,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। अगर कम से कम आपको कमाना है तो ज़्यादा की मैं बात करूँ तो तकरीबन एक ट्रेलर से आप तकरीबन 1,00,000 से 1.25 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। डिपेंड वही करता है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास बिजनेस नहीं होता है तो इस तरह के ट्रेलर का बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो मार्केट में सोर्स के जरिए पता लगाइए कि आपके लिए बिजनेस कहाँ से मिल सकता है। ऐसे भी इस तरह के गाड़ियों का जो है ज़्यादा बड़ी गाड़ियों का मार्केट में स्कोप कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो आप देख करके ही इस तरह की गाड़ियों का परचेजिंग कीजिए। अगर आपके पास बिजनेस होता है तभी खरीदिए, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों को परचेज करना भी आज के डेट में बहुत बड़ा सरदर्द है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। अगर आपके पास बिजनेस ना हो तो फिर एक सरदर्द भी बन जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई ट्रक है तो मुझे कमेंट में लिखिए कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके पास। हम मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।